वेलकम दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर। ये आप सबको पता होगा हमारी जो मेस्ट्रो एज है वो है इसमें लगा होता है, हमारा जो मोबिलाइजर लगा होता है जिसमें हमारा ये की का आइकन बना आता है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। ये देखो ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इसका लॉक ख़राब हो गया था, इसका ये लॉक टूट गया आगे से। लॉक टूटने का हमने लॉक चेंज करना है। कस्टमर कह रहा है हमारे ऐसा सिस्टम कर दो जो हमें कंपनी में ना जाना पड़े। इसके अंदर होता है ट्रांसपोंडर, जो हमारा मोबिलाइजर, ये मोबिलाइजर लगा होता है हैंडलॉक के ऊपर। इसमें आपस में सेंस करता है की में जो ट्रांसपोंडर है उसको, तब जब हमारी गाड़ी है वो स्पार्क देती है, मतलब स्टार्ट होती है, इसमें ब्लिंक करने लग जाएगी है। क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी पहले ही लोग नया डलवा दिया है, ये वाला लोग, ये नॉर्मल वाला लोग है, 660 रुपये का लोग है। ये पार्ट नंबर इसका 350-10AW301S, ठीक है। और जो इसकी CDI यूनिट है वो ये लगी है दोस्तों, इसमें ये CDI यूनिट है। अब इसमें जो हमारा एक ये मैंने लॉक का तार हटा भी दिया है, इसका जो मोबिलाइजर का है ये यहाँ से लॉक का ये डिस्कनेक्ट कर दिया है इसकी इसका ये जो मोबिलाइजर का ये हमने कर दिया डिस्कनेक्ट इससे, क्योंकि मैं इसको सिंपल करने वाला हूँ। कस्टमर का बोलना है भैया मेरी इसको सिंपल बना दो, कल ना कोई चाबी गुम भी हो जाती है कहीं पर भी इसको स्टार्ट करा लो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो ये CDI यूनिट जब तक हम इसको निकाल नहीं लेंगे तो हमारी जो ये भी सिंपल नहीं बन पाएगी। तो इसमें लगानी कौन सी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हम ये लगाएंगे CDI, ये पार्ट नंबर इसका 30410AY301S। और ये जो CDI है दोस्तों ये है ड्यूट, हीरो ड्यूट की। तो हम ये CDI लगाने वाले हैं दोस्तों इसमें, ये वाली। जब ये हमारा ये CDI यूनिट इसमें लग जाएगा तो हमें जो ये सिस्टम है मोबिलाइजर का, क्योंकि हमें स्पार्क नहीं देगा क्योंकि इसमें आपस में डिस्प्ले इसमें ट्रांसपोंडर है नहीं लोक में, या फिर कंपनी में लेके जाओ उसमें मैचिंग करवाने के लिए। तो हम लगाने वाले हैं ये, उसके लिए हमने यहाँ से ये वायर तो हमने डिस्कनेक्ट करना है, ये तो हमने लगानी नहीं, ये हमने कनेक्ट करना है। क्योंकि ये जो वायर है ये हमारा है मोबिलाइजर का, ये वाला ये जो सॉकेट है, तो ये तो हमने छेड़ना नहीं, ये तो हमारा समझ लो हमने साइड में कर दिया। अब इन तारों के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है, हम कोई सी तार को कटिंग नहीं करेंगे इसमें। जो सिस्टम मतलब कनेक्शन करेंगे वो हीरो ड्यूट के करेंगे, क्योंकि CDI ड्यूट के यूज़ कर रहे हैं। तो उसका जो मैं PDF है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाल दूंगा PDF बना के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कभी अगर आपकी स्कूटी में अगर सिंपल चाबी बनवाना चाहते हो तो, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोटो है, उस फोटो को देख कर मैं इसके कनेक्शन करूँगा। उसमें थोड़ा कलर कोड अलग है, ये जैसे कि उसमें जो बैटरी प्लस है इसमें है ब्लैक, मैंने मल्टीमीटर से चेक कर लिया ये बैटरी प्लस, और उसमें है रेड पे ब्लैक, ठीक है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और इसको अब हम करने जा रहे हैं कनेक्शन। दोस्तों ये जो पिक है ये ड्यूट की CDI की जो वायरिंग है उसकी है, तो हम जो करने वाले हैं इसी की है। इसमें दिखा दूं मैं हमारी जो स्टार्ट होने की जो स्पार्क करने के लिए हमारे चार तरह की आवश्यकता पड़ती है, एक तो बैटरी का प्लस और नेगेटिव, बैटरी माइनस, बॉडी अर्थिंग बोल सकते हैं उसको आप। एक वो हमारा जो इग्निशन को आ जाते हैं, दो तार जाते हैं दोस्तों इसमें, एक प्लस माइनस का, वो डायरेक्ट CDI में जाते हैं, ठीक है। एक होता है पल्सर कॉइल का, पांच को तार जो पड़ते हैं इसमें, सॉरी मैंने चार बोल दिया था उसमें। तो हमारा जो इसमें तार है मैं बता देता हूँ, हरा तो होता है अर्थिंग का, एक येलो ब्लू वाला होता है हमारा पिकअप कॉइल का, ठीक है। और जो बैटरी प्लस है इसमें लाल और ब्लैक वाला है, और ये अपना आउटपुट है इग्निशन कॉइल का जो होता है, इग्निशन जो मेरे ST कॉइल बोलते हैं, इग्निशन एक तार ये जाता है और एक पिंक पर ब्लैक, ये दो तार जाते हैं इग्निशन कॉइल, इन तारों से हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो साथ में दूसरा ये तार दोस्तों किस चीज़ के, एक सॉकेट में ये बैटरी प्लस जो है ये येलो पे रेड है, ये वायर हमारा सेल्फ के स्विच में जाता है स्टार्ट होने के बाद, जब हमारा सेल्फ नहीं लेती क्योंकि इसमें होती है बैंडेक्स, क्योंकि जिसमें बैंडेक्स होती है उसमें बटन दबाने के बाद स्टार्ट होने के बाद बैंडेक्स ऑन नहीं होनी चाहिए, तो सर्किट CDI का काम करती है। तो ये कनेक्शन भी करेंगे हम, ठीक है, साथ में ये कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम स्पार्क के लिए ये कनेक्शन। तो इसकी मैं दोबारा बता दूँ आपको, इसकी जो PDF हम बना कर अपने डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसमें कोई जो अपनी ये वायर हैं इन वायरों को कोई कनेक्ट वो नहीं करेंगे, खाली इसको देख कर पिन बदलेंगे, ठीक है।
तो निकालता हूँ मैं इसको सबसे पहले, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल दी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे इसमें चेंजिंग, और जो चेंजिंग करनी है हमने इस लॉक से चेंज स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारा ये जो लॉक है इसमें इसमें इधर है, ये वाला लॉक है। तो सबसे पहले हमने इस वायर के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आना है हमारा ग्रीन वाला, ये जो वायर है ये ग्रीन वायर है हमारा, यहाँ पे आएगा। तो हम इसको चेंज कर देते हैं पहले। यहाँ उसके लिए पतला पिन लेंगे, अरे ऐसे दबा देंगे, ये निकल जाएगा, ये निकल गया। और इसकी जगह लग लेंगे हम, अब इसको लाल डाल देंगे। ये डाल देंगे ये वाला, ये एक तार लग गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर जो खाली वायर बच गई, यहाँ में बचे बैटरी का प्लस, तो इसमें बैटरी का जो प्लस है ड्यूट में होता है रेड पे ब्लैक, इसमें है ब्लैक वाला। तो मैंने बैटरी मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो, ये इसको लगा निकालेंगे पिन पीछे से, ये निकाल लेंगे, निकल गया इजीली। इसको हल्का ऊपर कर देंगे दोबारा हमने लगाने की पिन नहीं मारी, तो यह लॉक है वो दब गया था, अब इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों हमारा ये बैटरी प्लस आ गया है। अब जो हमारा येल्लो देखे, ये येल्लो का लाल है, ये हटाना है हमने। अब ये निकालने वाले हैं, और ये हमने निकाल दिया। और यहाँ पे आएगा दोस्तों कौन सा तार, पिकअप कॉइल का, जो हमने पल्सर कॉइल का है, और पल्सर कॉइल का तार है इसमें, ये ब्लू पे येल्लो ये वाला, ये अपना। अब इसको निकालेंगे, ये निकाल दिया हमने ब्लू कलर, ये हमारा पल्सर कॉइल का है। ये पिन लड़की उठाई, और इसमें ठोकने वाले हैं यहाँ पे, अब ये दोस्तों हमारा ड्यूट में ये ब्लैक पिंक पे ब्लैक ये वायर लगा होता है। अभी मैं पकड़ दिखा दूँ फोन में, ये अपना ग्रीन, ये बैटरी प्लस, ये पल्सर कॉइल, और ये इग्निशन पर आउटपुट सिंगल वायर। अब ये सेकंड जो सॉकेट है उसकी कार्रवाई करते हैं, सेकंड सॉकेट में जो हम कार्रवाई करेंगे ये हमारा यहीं पर आएगा, ये इसको हमने छेड़ना नहीं है। ये तार ठीक है बिल्कुल, जो कि हमारी सी डी आई के इस यहाँ पर लगेगा, तो इसको हमने यहाँ लगाना है, ये हमारी कम्प्लीट होगी। एक तार ये हमारा इसमें लगाना है, इस पर यहीं पर रहेगा। अब बच गई ये सॉकेट, इसकी कार्रवाई करते हैं। अब इसमें हमारे तीन वायर हैं, थ्री वायर हैं, तो इसमें एक तो वायर हमारा ये है, एक वाला ये है, एक कार्बोरेटर पे गया हुआ है, कार्बोरेटर पे जो हमारा हमने लेना है ये वाला, ये हटा देना हमने, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हटा दिया, अब ये फोटो को देख के हमारा लोग ये आउटर साइड में लोग ऐसे ही है, ये वायर हमारा ये रहना है। अब नीचे वाले वायर पे, यहाँ पे नीचे वाले वायर पे लगाना है हमने ये वाला, जो स्विच का है, सेल स्विच का है, ये लगेगा यहाँ पे। इसका लोग थोड़ा ऊपर करेंगे, ये लगा दिया, अब ये यहाँ लगा देंगे। अब दूसरा एक रह गया, ये वाला वायर वाइट पर ग्रीन, ये ऊपर, तो ये हमारे तार कंप्लीट हो गए हैं। ये तो दो तार बच जाएंगे, इसको साइड में कर देना है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। एक ये वायर जो हमारा मोबिलाइजर का है, ये साइड में कर देना है, ये दो तार, एक ब्लू पे व्हाइट ये हटा देना है,
अब देखते हैं, अब देखेंगे हमारा स्पार्क, ये हमारी कंप्लीट हो गई। इसका भी मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, अगर कभी आप करते हो, इसका फ़ोटो भी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा कंप्लीट, अगर ऐसे ऐसे तार लगाने हैं तो। दोस्तों मैंने इसका जो स्पार्क चेक किया, हमारा स्पार्क नहीं आया, उसमें एक तार हमारा उल्टा लग गया था, गलती होगी मेरे से। जो हमारा ये वायर है, ये जो पिंक पे ब्लू है, ये हमने यूज़ नहीं करना, मैंने गलती से पिंक पे ब्लैक ही निकाल दिया। अब ये तार लगाते ही मेरा स्पार्क भी आ गया है, और गाड़ी में दिखाऊंगा आपको स्टार्ट करके। अब तो हमारी गाड़ी होगी परफेक्ट, अब मैं करता हूँ स्टार्ट, ये देखो। ये सी डी लगाई हुई मैंने ड्यूट की, ठीक है, और बाकी मैं इसका फोटो जो मैंने खींचा हुआ है फोटो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लो, उसके कनेक्शन देख लेना वहाँ कैसे लगाने हैं। अब ये जो हमारी बाइक, ये स्कूटी है, ये मिल गई है नॉर्मल वाली, विदाउट मोबिलाइजर वाली। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कस्टमर ठीक करवा सकता है इसको। दोस्तों चाबी कभी ख़राब हो जाती है इसकी, ये चाबी कभी दिक्कत है, इसमें कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, सिंपल चाबी है, तो अपनी बनवा के स्टार्ट करवा सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी भी स्कूटी में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो ऐसे सी डी आई और लॉक सेट, या अगर लॉक सेट ठीक है तो खाली सी डी आई लगा सकते हो, सी डी आई भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 1100 कुछ रुपये की है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।